जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 7 दिसंबर बृहस्पतिवार का दिन, मार्गशीर्षमा कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, आयुष्मान योग और हस्त नक्षत्र में चंद्रमा के प्रभाव के साथ दिन की शुरुआत। चंद्रमा इस समय केतु के साथ आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है। आपकी लग्न कुंडली में इस समय शुक्र उच्च का होकर और आपकी कुंडली में मंगल सूर्य की युक्ति भी है। आज चंद्रमा और मंगल के शक्ति से आपके जीवन में अखंड सफलता का योग बन रहा है। जीवन में परिवर्तन होगा, सुख धन सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की स्थिति शुभ होने से आपके जीवन में बड़ी सफलता का, कामयाबी का, तरक्की का और भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, जिसके प्रभाव से आपका जीवन प्रभावशाली हो जाएगा। आज मंगल का सूर्य के साथ युक्ति हो रहा है। मंगल शुभ है, सूर्य के साथ आदित्य मंगल योग बना रहा है, जिससे जीवन मंगलमय हो जाता है। और जब चंद्रमा से मंगल प्रभावित हो जाता है तो पराक्रम सामर्थ्य, जोश, इच्छा शक्ति आपकी जागृत हो जाती है। आज आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि है। बेहद शुभ फल देने वाला चंद्रमा और मंगल के प्रभाव से आज दिन आपके लिए तरक्की का रास्ता खोलेगा। धन का कारक विवाह का सुख है, पराक्रम ऊर्जा को बढ़ाने वाला, धन सफलता का सौभाग्य देने वाला, उन्नति और तरक्की भरा आज का दिन आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा ही लाभकारी होगा। क्योंकि शुक्र जब उच्च का होकर गोचर करता है तो आप भाग्य के धनी, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हो जाते हैं। शुक्र जब उच्च का होकर गोचर करता है तब आपकी पर्सनालिटी दूसरे को इंस्पायर करती है। जब शुक्र उच्च का होकर गोचर करता है तो भाग्य की बदौलत सुख समृद्धि आप पाते हैं। जब मंगल चंद्रमा से प्रभावित हो जाता है तब भाग्य आपका बलवान हो जाता है। धन के साथ शोहरत, इज्जत, शान की जिंदगी आपकी होती है। धन की कमी नहीं होती, सुख बढ़ता जाता है। सफलता, कामयाबी आप अर्जित करते हैं। तेजस्वी होते हैं, उत्साही होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। जीवन में बड़े से बड़े काम को भी आसानी से पूरा कर लेते हैं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपके जीवन में तरक्की, लाभ का योग बन रहा है। क्योंकि आज बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के ऊपर है, मंगल इस समय चंद्रमा से प्रभावित है और बुध आपके लिए भाग्यशाली योग बना रहा है। वहीं आपकी कुंडली में शुक्र शनि का नवम पंचम योग बन रहा है और शनि के धन भाव में राहु का गोचर है। नौ ग्रह की स्थिति, जिसके प्रभाव से आज आपके लिए दिन बड़ा सुख संपत्ति को देने वाला, जीवन में सौभाग्य लाभ लेकर आने वाला, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला ये समय आपके लिए बेहतर परिणाम का योग बना रहा है। जिसके प्रभाव से आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होंगे, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में इच्छा शक्ति आपकी जागृत होगी। दिन शुभ है। आज अपनी जिम्मेवारी को आप अच्छे से निभाएंगे, कार्य क्षमता आपके जीवन की बढ़ेगी और मन की उलझने सुलझेगी। तरक्की के अवसर मिलेंगे, उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। शनि शुक्र के साथ जब नवम पंचम योग बनाता है तो लाभदायक सिद्ध फल की प्राप्ति आपके जीवन पर होता है। जब धन भाव और भाग्य स्थान शुक्र से प्रभावित हो जाता है तब आपके जीवन में
कामयाबी सफलता का सुख प्राप्त होता है। कर्म भाव को जब मंगल प्रभावित करता है तो आप कर्मठ कर्मयोगी हो जाते हैं और अपने दम पर अपनी हिम्मत से जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। बुद्ध के प्रभाव से आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, श्रेष्ठ कार्य से जुड़ेंगे, बड़े सोच से काम लेंगे, महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करेंगे, जीवन में सुखता बढ़ेगी, काम कारोबार में तरक्की मिलेगी, शुभ प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी। ये समय पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर संभावना लेकर आया है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति और जीवन में उमंग उत्साह जीवन को एक नई दिशा देता है जो आपके लिए बेहतर परिणाम का योग बनाता है। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी मंगल है, द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है, तृतीय चरण का स्वामी बुध है, तो चतुर्थ चरण का स्वामी बृहस्पति है। चारों चरण आपके लिए शुभ साबित होगा क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर है। मंगल बृहस्पति की दृष्टि शुभ है और बुध का प्रभाव भी आपके लिए तरक्की का रास्ता खोल रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप तरक्की पा सकते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। परिवार की खुशहाली और जीवन में सुख धन की प्राप्ति, आज आप भाग्यशाली भी हैं। आज आपके जीवन में लाभ और धन का योग भी बन रहा है। आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज आप भगवान विष्णु की पूजा करें, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, आज केले के वृक्ष में हल्दी अर्पित करें, आपके सारे काम सफल होंगे, आपके लिए लाभ धन और भाग्य का साथ मिलेगा। समय सुख देने वाला, संपत्ति को बढ़ाने वाला भाग्यशाली समय है। जो आपकी इच्छा, आपकी आकांक्षा आपके जीवन की समस्याओं को दूर करते हुए आपके जीवन में बेहतर फल की प्राप्ति होगी। आज राहु काल 1:30 से 2:48 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लक्की कलर येलो होगा और लक्की नंबर 2 होगा। आज अमृत काल रात्रि का समय शुभ होगा, जबकि दोपहर 11:52 और 1:56 अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त में सौभाग्य का सुख है की प्राप्ति होगी। बेहतर समय है, लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, किस्मत के सितारे बुलंद होंगे। आज का दिन आपके लिए तरक्की भरा दिन है जो आपको भाग्यशाली सौभाग्यशाली बना रहा है। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम। जय